गुड इवनिंग टेयर्स, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक विशाल एंगमेंट टेयर्स। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड पे, मतलब BHEL पे बात करें, बहुत शानदार खबर आई है जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लोग पहले से इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं या नए जुड़ने वाले हैं शेयर में। तो क्योंकि आपको पता ही है क्वार्टरली रिजल्ट में इसमें सुधार आया है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन से चेक कर सकते हैं। अभी 39.95 रुपीज़ के पास चल रहा है, तो हम लोग चार्ट चेक भी लेंगे और वो न्यूज़ भी जानेंगे जो आई है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल का लिमिट कम हो गया है, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पे शो कर रहा था, वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल अगर आप हमेशा अगर व्यू करते हैं तो आपको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, तो कर लेना चाहिए। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है पोस्ट करते रहते हैं और आप अपने डाउट भी वहां पे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। BHEL 39.90 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट अर्निंग रिजल्ट जो ट्रेड्स आने वाले हैं वो जून 1 को आएगा, अभी टाइम है तो जब आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। EPS जो है माइनस में 9.2 है अभी का, आपको बताया था, आई बटन से उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको अभी जो अर्निंग रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में नहीं पता है तो मार्केट कैपिटल 135.104 बिलियन है, ठीक ठाक मार्केट कैपिटल है। मैं इसलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मली होती है उनको इसलिए रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको किसी और वीडियो को चेक ना करना पड़े कि कोई चीज़ मिस हो जाए, इसलिए मैं उनको जरूर से ऐड करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मुझे पता है 2 ही मिनट में न्यूज़ कंप्लीट हो जाएगी जो बताना है मुझे, बट स्टिल 2 मिनट में न्यूज़ हो जाएगी, 1 मिनट में चार्ट हो जाएगा, बट स्टिल आपको अगर इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा, आपको कोई और जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो फाइनेंशियल पे बात करते हैं। वैल्यूएशन जो है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 6 लाख लोग होल्ड करके चल रहे हैं, होल्ड करके चलेंगे ही क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है अपने इंडिया की, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बहुत सारे हैं, काफी लोग इस फील्ड में वर्क करते हैं BHEL में, आपको पता ही है। और प्राइस हिस्ट्री पे जो कि हम लोगों के फायदे की चीज है वो जानिए, तो एवरेज वैल्यू जो 10 डेज का बन रहा है ट्रेड आजकल वो 70 मिलियन से भी ऊपर बन रहा है, 70.656 मिलियन, मतलब स्टिल आप अगर सोचिए तो एक्टिव वॉल्यूम जो रह रहा है शेयर का वो बहुत बड़े स्तर पर रह रहा है, मतलब इसीलिए आपको ग्रोथ भी दिख रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब बाई सेल बहुत ज्यादा हो रहा है। 52 वीक हाई 44.40 रुपीज़ 40 पैसे, 52 वीक लो 18.40 रुपए। बैलेंस शीट पे ओल्ड है बट स्टिल हम लोग जान लेते हैं नंबर। टोटल डेप्ट MRQ जो है वो 48.476 बिलियन है, पर अब ये रिड्यूस हो चुका है क्योंकि ये लास्ट मार्च का है और आपको पता है नेक्स्ट मार्च में वापस से मार्च आ जाने वाला है तो फिर से अपडेट हो जाएगा। टोटल एसेट MRQ 589.957 बिलियन, मतलब स्टिल काफी अच्छा नंबर था उस टाइम पे, बट अब तो आपको पता ही है ग्रोथ हो चुकी है। तो अब देखिए BHEL, आपको जिसको अबाउट मतलब कंपनी के बारे में थोड़ा भी नहीं पता है वो आप इसको रीड कर सकते हैं, मैं आपको मेनली बता देता हूँ। देखिए मैन्युफैक्चरिंग करता है, इंजीनियरिंग करता है, टेस्टिंग कमीशनिंग एंड सर्विसिंग करता है, बहुत सारी वैरायटी रेंज के फील्ड में। अभी हम लोग उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ भी जानने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल हैवी व्हीकल नाम में ही आपको पता लग जाता है कि चीज़ पे वर्क करती है कंपनी। देखिए बुक वैल्यू जो है 78.10 रुपीज़ है, मतलब अपनी बुक वैल्यू से लगभग हाफ नीचे मिल रहा है, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ले लीजिए, डिविडेंड भी शानदार है इस चीज़ की वजह से। बाकी देखिए बाकी चीज़ें अभी पहले लास्ट ईयर की इतनी अच्छी नहीं थी, क्यों, क्योंकि आपको नंबर दिख रहे हैं ROCE और ROE, बट अब जो नंबर आएंगे ना ट्रेड्स वो बहुत शानदार होने वाले हैं, और इसकी देखिए ऑल टाइम हाई प्राइस भी बताता है 300। हाँ, वो फेस वैल्यू कट होने की वजह से अब वापस से उतने जाने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई देखिए 391 लगा है। प्रॉफिट ग्रोथ पहले से घटी है बट पिछले क्वार्टर से जो है वो सब सारी चीजों में बढ़ोतरी हुई है, आप आई बटन से क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बाकी रिटर्न ऑन एसेट भी पहले इतना बढ़िया नहीं था, अब सुधर चुका है, तो ये एक चीज आ जाती है। अब न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि मैं आपको मेनली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी सारी न्यूजें आई हैं, देखिए 5 फरवरी 11 फरवरी 12 फरवरी, तो मेनली 5 फरवरी वाली तो हम लोग लगभग जब रिजल्ट का डिस्कस हुआ होगा तो उसमें अगर नहीं किया था तो अभी बता देता हूँ, उस टाइम थर्मल प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी जो अभी जो आया है लेटेस्ट में वो ये ऑर्डर है, अवार्डेड ऑर्डर मिला है इनको नेवी, अपने इंडियन नेवी द्वारा, कि फ्रंट लाइन शिप के ऊपर जो गन्स बनती हैं वो उनको उसका ऑर्डर मिला है। जो कि अगर मैं इसको आपको यहाँ पे, तो काफ़ी सारी न्यूज़ है, अगर आपको यहाँ पे 3 न्यूज़ें दिख रही हैं आपको मेनली ब्रीफ में, बट मैं आपको जो मेन न्यूज़ है वो डिस्कस करके बता देता हूँ। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल सिक्योर ऑर्डर फ्रॉम इंडियन नेवी, अपने इंडियन नेवी द्वारा इनको ऑर्डर मिला है और वो सिक्योर कर लिया है, जिसमें इनको सप्लाई करना है 2 सुपर रैपिड गन माउंट को। तो ये बहुत देखिए नेवी के वॉरशिप के लिए बहुत जरूरी मतलब गने हैं, जिससे देखिए इसमें पक्का इन्वेस्टमेंट BHEL में बढ़ेगी,
क्योंकि एक बहुत शानदार न्यूज है, इन कंपनी का भी प्रॉफिट होगा। तो ये एक चीज बहुत बढ़िया, मतलब देखिए किस प्लांट को इसको मिला है, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पावर प्लांट जो है वो, मतलब प्लांट जो है वो हरिद्वार इंडिया का है। तो प्रोडक्शन करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे और कमीशनिंग करेंगे लाइफ सर्कल सपोर्ट और दीज गन। तो ये एक बहुत अच्छी चीज आ जाती है कि जो देखिए, एक तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इतने बड़ा ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, उसके बाद इसके नंबर पहले से सुधर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक बहुत अच्छा संकेत शो करती है। ऊपर से ट्रेड्स प्लस पॉइंट ये डिविडेंड भी बहुत शानदार प्रोवाइड करती है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से भी 8% 6% 4% डिविडेंड देना है, बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये कंपनी वो कर रही है, तो एक बहुत अच्छी चीज निकल के आ जाती है। फिर रेशियो और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे भी बात कर लेते हैं। ट्रेड्स तो डेप्टर डेज पहले से सुधरे हैं, अब और सुधरे हुए दिखाई देंगे क्योंकि ये मार्च 2021 आ चुका है, अब जस्ट वन मंथ बाद वापस से मार्च का अपडेट हो जाएगा तो जान लेंगे। बट मैं स्टिल आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि ये चीजें देखिए कितनी सुधरी हैं, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए आप मार्च 2016 का देखेंगे 321 था, फिर रिड्यूस और अब देखिए 121 हो गया है, अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली ठीक ठाक दिख रहा है। क्योंकि इसमें देखिए अगर 63 प्रोमोटर्स की होल्डिंग बाद सारी होल्डिंग पब्लिश भी होती तो थोड़ी दिक्कत हो जाती, पर FIs और DIs के लिए ठीक ठाक होल्डिंग्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डिंग भी परफेक्ट दिख रहा है। अब चलिए हम लोग चार्ट चेक ले लेते हैं क्योंकि उसके बारे में भी मैं बिना चार्ट चेक दिए आपको वीडियो खत्म नहीं करता हमेशा। तो जो सपोर्ट बन रहा है ट्रेड्स, वो लास्ट वीडियो में जो बन रहा था वही बन रहा है, और अच्छी बात है सपोर्ट उसने ब्रेक नहीं किया, मतलब उस वीडियो को बनाने के बाद से अभी तक अगर आप सही वैल्यू पे बाई कर लिए हैं तो आप सभी लोग अभी इस टाइम पे प्रॉफिट में हैं। तो देखिए अभी भी जो सपोर्ट है वो 37.80 रुपए के पास है, और जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 41.45 रुपीज के पास, 44.10 रुपीज पे भी बन रहा है। पर स्टिल अभी देखिए जहां पे 40 रुपीज पे है ट्रेड्स, वहां पे भी एक रेजिस्टेंस है, पर उसने उसके नीचे था एक रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक कर चुका है, और ये गुड न्यूज और इतनी शानदार बाइंग इसको और ऊपर ले जाने में मदद करेगी। तो धीरे धीरे आप इसको धैर्य रखिए, आसानी से होल्ड करके चलिए, आपको ये आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छे अर्निंग आपको रिटर्न्स दे सकता है, और आप इसमें डिविडेंड भी खाइए। आपको अगर प्राइस वाइज ज्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर ये आपके लिए ये शेयर जो है अभी इतना बड़ा नहीं दे सकता, मतलब आप चाह रहे हैं कि 37 रुपीज पे हम लोग, सपोज आप 37 रुपीज पे बाई कर लें और ये एक ही दो मंथ में आपको 50 से ऊपर पहुंच जाए, जा भी सकता है, बट स्टिल अगर इसका चार्ट और बाकी चीजें देखा जाए तो इस टाइप के लिए ये शेयर नहीं है, क्योंकि आपको डिविडेंट परसेंट डिविडेंट पे आउट जो है इसका वो बहुत शानदार है, तो उसके वजह से इनके प्राइस एक्शन ज्यादा बड़े नहीं दिखाई देते, बट डिविडेंट जब प्रोवाइड कर रही है तो, पर आप इसको लॉन्ग होल्ड करके रखेंगे तो आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा और आप प्रॉफिट में भी रहेंगे, अच्छा खासा शेयर है। बाकी आपकी मर्जी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप बताइए आपको शेयर कैसा लगता है। हाँ मुझे पता है आपको बाकी शेयरों के ऊपर भी वीडियोस चाहिए, पर इसकी न्यूज़ लेटेस्ट थी और मैंने इसमें जल्दी ही पोस्ट कर रखा था, तो मैंने सोचा कि पहले इसको अपडेट कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।